हेलो एवरीवन, आज यहाँ पर लाइव सेशन के से संबंधित चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लाइव सेशन कब से स्टार्ट होना है और क्या टाइमिंग होगी, इन टाइमिंग के बीच कितने सप्ताह में आपका ये प्रोग्राम है और कैसे कैसे चलना है। ये लाइव सेशन बेसिकली हमने स्टार्ट कर रखा था इससे पहले भी, और वहाँ पर दो तीन एक हफ्ते चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया गया। और उसके बाद वहाँ पर मैं भी जो है थोड़े दिन से छुट्टियों पे चला गया, रवि सर भी थोड़े से अवकाश पर थे वहाँ पर, तो चीज़ों को लेकर वहाँ पर एक हफ्ते का थोड़ा सा गैप हो गया। और इस वीक भी से आपको इस वीक से स्टार्ट होना था, लेकिन इस वीक भी से जो है संचालित नहीं हो सका। मैं भी अभी छुट्टियों से आज ही वापस आया हूँ, और आते ही सबसे पहले काम जो है ये होगा कि लाइव सेशन से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको बताया जाए, ठीक है? क्योंकि आप सब हमारे इसी भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव सेशन काफ़ी सारे लोगों ने अपना पार्टिसिपेंट दर्ज कराया था, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन चीज़ को आगे बढ़ाएं, बीच में रोक छोड़कर उसे आगे न बढ़ जाएं, ठीक है? तो उन चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले अपने लाइव सेशन के बारे में। उस पर चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ों पर मैं यहाँ पर गौर फरमाना चाहूँगा। अगर आप इस समय देखें तो दो तीन चीज़ें अभी हाल फिलहाल हुई हैं, जैसे कि एक तो आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया है, दूसरी तरफ आपका यूपीपीएससी का पैटर्न क्या होना है, कैसे क्या चीज़ मेंस का पैटर्न जो चेंज करने की बात चल रही थी वो फाइनली यहाँ पर नोटिस आ गई है कि वो पैटर्न चेंज होने वाला है, और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बता दी गई हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, एक चीज़ और हुई है कि यूपीपीएससी की जो एग्ज़ाम डेट थी प्री की वो भी आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर दो से तीन चीज़ें हुई हैं जिन पर थोड़ी थोड़ी बहुत मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि वो चीज़ें आपके लिए कैसे हेल्पफुल हैं, और अब लाइव सेशन का क्या महत्व रह गया है इस आपकी तैयारी में, ठीक है? तो वन बाय वन करके मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, और उसके बाद फिर हम लाइव सेशन की चर्चा करेंगे, और बाकी सारे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें उस पर आपकी, तो कैसे चलेंगे और कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस के यूपीएससी का जो होता है रिजल्ट आया है। रिजल्ट आप देखें तो एक उत्साह जो होता है ना रिजल्ट देखने के बाद, एक जो बच्चे का जो रिजल्ट आता है, आप 10th 12th का जैसे रिजल्ट की मैं बात करूँ आप सब फेस कर चुके हैं, और उसके बाद आप अलग अलग विभिन्न एग्ज़ाम के रिजल्ट आप जो होते हैं परीक्षा देते हैं, उसके रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव का मेरा कहने का मतलब है कि आप सफल होते हैं, तो आपके अंदर की एनर्जी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपके काम करने की क्षमता जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, दूसरों को देखकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि इनका हो गया है, मैं भी अब इसी फील्ड में जाना चाहूँगा, मैं भी ऐसे बनना चाहूँगा, तो एक मोटिवेट हो जाते हैं आप किसी चीज़ को देखकर। इस तरह के रिजल्ट जब आते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से उठ कर आते हैं, बहुत ही दबे कुचले वर्ग से लोग आते हैं जिनके पास पढ़ने के संसाधन नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त नहीं होते हैं, और वो लोग जब ये इस तरह के इतने बड़े आपके अपने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को वो क्वालिफाई करते हैं, इतने बड़े उच्च पद पर वहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं, तो ऐसी परीक्षार्थियों को देखने के बाद होती है एक अलग तरह का हमारे अंदर उत्साह आता है। उत्साह के दौरान हमारे पास अब टाइम ज़्यादा नहीं होता है, 3-4 महीने होते हैं, कई बार हम उत्साह में कई बार मेहनत जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, मेहनत वो करनी है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने पता लगाया कि रिजल्ट आ गया, वहाँ पे चीज़ों को देखा कि हाँ इनका क्वालिफाइड हो गया है, ऐसे लोग हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं कर, ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस मोटिवेशन को सही दिशा में रखना है। मेहनत आपकी अकारथ नहीं जानी चाहिए, वो सही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें करनी। अगर आप देखें रिजल्ट में तो आपको कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो परीक्षार्थी रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो सफल हुए। सफलता का मंत्र क्या है? मेहनत, कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता का एक मात्र। आप टॉपर की बात करें तो उनको देखिए, उन्होंने 5वीं अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता प्राप्त की, पहला स्थान, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है किसी का एक बार में चीज़ें क्वालिफाइड ना हो, दो बार में ना हो, तीन बार में ना हो, तो लेकिन वहाँ पर देखिए उसको परिप्रेक्ष्य क्या रहा, उसको किस वे में देखना चाहिए। क्या एक व्यक्ति जिसने 4 अटेम्प्ट क्वालिफाइड नहीं किए हैं या अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए योग्य नहीं है? क्या उसकी मेहनत जो होती सफल नहीं हुई? 5वीं अटेम्प्ट में वो जाकर फाइनली सक्सेसफुल होता है। यानी अगर आप लगातार प्रयास करें, निरंतर रूप से प्रयास करते रहें, अपने आप को फोकस्ड रखें, तो आपकी सफलता सुनिश्चित करती है, ये दर्शाती है। तो आपको भी अपनी सफलता को
ऐसा नहीं है, आप हो सकता है आपने जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो यहाँ से आपको पीछे हटने कदम पीछे हटने का समय नहीं है। यहाँ आपको और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने का, और ज़्यादा फोकस्ड होना है, जो गलत चीज़ें हुई उनको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उसको आगे बढ़ना है। जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हो ना, तो वहाँ पर थोड़ा अपने आप को रोकें, ठहरें, ठहराव लाइए अपनी लाइफ में। जब थोड़ा सा ठहराव आता है ना लाइफ में, तो वहाँ से आपको सोचने की एक नई क्षमता विकसित होती है, चीज़ों को देखने का एक नया तरीका उत्पन्न होता है, और वो तरीका कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर रास्ता जो होता है दिखाता है कि आपको किस तरह के किस तरीके से और किस तरह किस वे में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए तीन चार चीज़ें एक साथ हो गई, इस दौरान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उत्साह होगा, लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का मन करता होगा, तो यहाँ पर हमें भटकना नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना, हमें अपने आप पर फोकस्ड रहना, अपने एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहना, अपने सब्जेक्ट पर फोकस्ड रहना, अपनी स्टडी मटेरियल पर फोकस्ड रहना, सेलेक्टिव रहना। ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ पर चीज़ों को हमारे साथ रहकर देखें, या अपने आप एकांत माहौल में भी कभी कभी एकांत तो जो होता है चिंतन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, कि क्या आप अभी तक सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपके पिछले प्रयास अगर असफल हुए हैं तो उनकी असफलता के क्या कारण रहे हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे पहचान नहीं सकते, आप एक सही दिशा में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। एक सफलता की जो मूल मंत्र है ना, वो वही है आपकी एक कड़ी मेहनत, लेकिन वो कड़ी मेहनत तभी होगी आपकी सफलता का साथ में सहायक होगी जब वो सही दिशा में की जाएगी। तो मेरा सिर्फ कहने का यहाँ मूल मंत्र इतना ही है, यूपीएससी के रिजल्ट देखने के बाद जो उनका आपका उत्साह है, उस उत्साह को आप थोड़ा उस पर चिंतन जरूर करें, चिंतन करने के बाद उसको एक सही दिशा में और कड़ी मेहनत करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों को आपके साथ करने वाले हैं, हम खुद मेहनत करेंगे और आपको भी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक सही दिशा में करेंगे, ये हमारा एक मूल मंत्र है, इन चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई यूपीएससी की, दूसरी बात आई कि यूपीपीसीएस का पैटर्न आ गया है, यूपीपीसीएस के पैटर्न में क्या चीज़ें नई हैं। देखिए बात वही है, अगर आपने यूपीएससी का पैटर्न देखा होगा अब तक, तो आप सभी ने यूपीपीसीएस का भी पैटर्न देख लिया होगा। तो यूपीपीसीएस के पैटर्न की मेंस की मैं बात करूँ, तो प्री में देखिए एक तो चीज़ आ गई है कि वहाँ पर भी आपको उन्होंने उठाकर कर दिया है, एक माइनस मार्किंग ऐड कर दी है जो पहले नहीं थी। दूसरी चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है मेंस में, जो वहाँ पर चार जीएस के पेपर कर दिए हैं, एक आपका एसे का है, एक आपका हिंदी है, दो आपके ऑप्शनल्स, ऑप्शनल का एक ही है, उसके दो पेपर होंगे। ठीक है, जो पहले दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे वहाँ पर अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया गया है और उसके दो पेपर होंगे, टोटल आपके 8 पेपर होंगे, ये आपका 1500 मार्किंग की टोटल मार्किंग होगी, और इसके अतिरिक्त जो होती है 100 नंबर के आपका इंटरव्यू छोड़ दिया गया है, तो 1600 नंबर की टोटल मार्किंग होगी, और उसके आधार पर आपका क्या रिजल्ट बनेगा वो आप डिसाइड होगा कि आपकी मेरिट कितनी आती है। लेकिन ये तो आप सबने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, अलग अलग जगह पे, वेबसाइट्स पे, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं क्या बात करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं आई है कि जो चार पेपर जीएस के होंगे या मेंस में जो पेपर हो रहे हैं जीएस के, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव भी होंगे तो जीएस के जो चारों पेपर हैं उन चारों पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट नहीं रखे जाएंगे, उनका सिलेबस क्या होगा और उन सारी चीज़ों को कैसे कवर अप करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब उसका नोटिफिकेशन है। तो एक थोड़ी सी अभी चीज़ों को असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और ये तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। इस दौरान हमें क्या करना है, क्योंकि मेंस की जो प्रिपरेशन है वो प्री के साथ साथ या कैसे प्री से पहले करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगले 2-3 महीने में आप कभी भी मेंस की पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप उसको पूरा पढ़ना, उसके आंसर राइटिंग करना, जो मटेरियल होता है उसको, जो कंटेंट होता है उसको बेहतर करना, इन सारी चीज़ों पर काम करने में 3 महीने बहुत कम है। इन 3 महीने से पहले ही आपको अपने मेंस पर काम करना होता है। ठीक है, तो मेंस पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, एक तो आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी के जो पेपर हैं मेंस के, जीएस के पेपर हो, आप उनके माध्यम से चीज़ों को प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, जिनको इस साल का मेंस देना है तो उनके लिए तो अभी कोई बात ही नहीं है, ये 2018 के मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस साल एग्जाम होगा 2017 का जो मेंस है उनके पुराने पैटर्न पर होगा। ठीक है, तो उनसे संबंधित चीज़ों पर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं हम 2018 के यूपीपीसीएस के पैटर्न के लिए। तो उससे संबंधित जो वीडियो होगी वो हम अलग से थोड़ी सी बनाएंगे वहाँ पर, लेकिन जो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद उन पर हम डिटेल में ज़्यादा अच्छे से चर्चा कर पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से करा पाए, बता पाएंगे कि चीज़ें आपको क्या करनी है, कैसे करनी है। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा
कि अभी आपको मेंस की जो प्रिपरेशन करनी है वो यूपी पे, बात यही की जाए कि यूपीएससी के पैटर्न पर कर दिया गया है, तो तैयारी आपको यूपीएससी के पैटर्न पर करनी है। वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वो चैनल के माध्यम से आपको लगातार बताया जाता रहे, और नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे एक वीडियो मेंस के लिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें कैसे करनी है, वो एक अलग से हम वीडियो लेकर आए। ठीक है, बात करते हैं यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम डेट की, जो 2018 का प्री होना था उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ गई है। डेट वो बढ़ गई है, अब आपकी फ़िलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 24 जून को जो एग्ज़ाम होना था वो नहीं होने वाला है, वहाँ पे एल्टी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो कर दिया गया है। तो अब आपके पास टाइम ज़्यादा है। टाइम क्या है, एक तरह की जो दबाव या प्रेशर कह सकते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके साथ एक बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑनलाइन बैच के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी ये क्वेरीज करते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं चीज़ों को, अब आपका जो कोर्स है वो हम उसके पहले भी कंप्लीट करने वाले थे और अब भी यहाँ पर आपका टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करने का ज़्यादा बेहतर टाइम मिल जाएगा और आपने प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहा, अगर एग्ज़ाम जो होता है थोड़ी सी डेट आगे बढ़ गई तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसका सही सदुपयोग करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइम आगे बढ़ गया आप थोड़ा सा शिथिल हो जाए, वहाँ पर शिथिल नहीं होना है, हमें इसी समय को ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग करना है। समय के सदुपयोग से आप अपनी सफलता की गारंटी या कह सकते हैं सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी जो वीडियोज़ जा रही हैं उनका सही क्रम में सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, उनके नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें, और जब भी टेस्ट पेपर जो होते हैं ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो उसके माध्यम से अपने आप को जोड़ें और अपनी देखें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, समय समय पर अन्य जो भी आपके डाउट होंगे वो हम जब लाइव सेशन लेकर आएंगे तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, लाइव सेशन के माध्यम से उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, क्या समस्याएँ हैं आपकी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स जो सब्जेक्ट्स को लेकर होंगी वो आप वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, उनसे सभी चीज़ों पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन सेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपके जैसे इकोनॉमी के वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, करंट का पिछले एक साल का करंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वहाँ पर हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री भी कंप्लीट होने, ज्योग्राफी कंप्लीट होने को है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी लगभग जाती है, जल्दी से ही कम कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज से जो है आपका एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एनवायरनमेंट जैसे मैंने पहले कहा 1 मई से स्टार्ट होना था, तो मैंने आज यहाँ पर एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर साइंस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो साइंस और एनवायरनमेंट जो चीज़ें बची हुई थी वो भी ऑनलाइन सेशन के लिए आज से मैंने स्टार्ट कर दी हैं यहाँ पर ऑफलाइन, तो उसकी सारी जो वीडियो होंगी वो भी आपको ऑनलाइन जो है उपलब्ध हो जाएंगी। तो जो तैयारी है और आपका जो समय है उस समय से पहले आपके सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आप तक उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हमने हो गई कि हमारा भी जो कोर्सेज चल रहे हैं और जो इस दौरान सारी चीज़ें हुई मेरी छुट्टियों के दौरान, उस पर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर आपसे चर्चा कर ली है आपके लिए। आई होप ये चीज़ें आपके लिए बेहतर सजेशन, आपको बेहतर दिशा में ले जाएंगी। हम बात करते हैं आज के लाइव सेशन के बारे में, लाइव सेशन में क्या क्या होना है। देखिए, लाइव सेशन जो होता है दो सेशन में करने वाले हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। टाइमिंग इस बार थोड़ा सा चेंज है, टाइमिंग चेंज करने का कारण, टाइमिंग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लोग मॉर्निंग में चीज़ों को हमें पास कंप्लेन आ रही थी, सर बहुत थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाती है जो सेशन है, दूसरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, टॉपिक को, टाइमिंग को लेकर। जो मॉर्निंग का टाइम होगा 9:30 से आपका 10:45 होगा सुबह का, और यहाँ पर जो इवनिंग का जो सेशन होगा वो 7:30 से आपका 8:45 का ये सेशन होगा। ये हमारा 3 वीक का प्रोग्राम होगा, 3 वीक जो होता है लगातार आपके 2 लाइव सेशन जो होंगे किए जाएंगे, और ये दोनों ही लाइव सेशन जो होंगे वो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, मेरा नाम रावेंद्र सिंह है, तो ये मैं जो सेशन लूँगा ये दोनों ही सेशन मैं ही लूँगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग के ये जो दोनों सेशन होंगे ये 3 वीक के आपके प्रोग्राम हैं, और 3 वीक के प्रोग्राम में जो फर्स्ट वीक का जो प्रोग्राम होगा टाइमिंग कब से चलेगी ये भी आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये सेशन जो होंगे स्टार्ट कब से होंगे। तो सेशन जो होगा स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट मंडे से, जो आने वाला आपका मंडे है, आज 3 तारीख है, 3 मई है, और आज थर्सडे है। ठीक है, तो फ्राइडे नहीं है आपका कोई सेशन, सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, और ये स्टार्ट होगा आपका मंडे से। ठीक है, तो 4, 5, 6, तो ये 7 मई से आपका
तो आपका जो 7 मई से आपका लाइव सेशन जो हो गए वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 7 मई से ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये 3 वीक का आपका प्रोग्राम है। जो फर्स्ट वीक का जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर हम जो मॉर्निंग का सेशन होगा वो इकोनॉमी का होगा, इवनिंग का जो सेशन होगा वहाँ पॉलिटी चलेगी। सेकेंड वीक का जो प्रोग्राम है वहाँ पर आपका एनवायरमेंट चलेगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में आपकी ज्योग्राफी चलेगी, और थर्ड वीक में जो होगी वो आपकी साइंस चलेगी और आपकी हिस्ट्री चलेगी। तो टाइमिंग की मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो पहला होगा 7 से 12, ये फर्स्ट वीक 7 से 12 मई को आपको जो होगा पहला। दूसरा होगा आपका 13 को, आपको संडे रहेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखा रखिएगा कि संडे को जो सेशन होंगे वो ऑफ होंगे, संडे को नो लाइव सेशन, ठीक है। संडे को कोई भी लाइव सेशन नहीं होंगे, यहाँ पर ऑफ रहेगा, सिर्फ मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पर फिर हमारा जो होगा दूसरा जो वीक होगा 14 से 19 मई का, फिर उसके बाद 21 से 26 मई, ये 3 वीक का प्रोग्राम है जहाँ पर हम सभी जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनको इस साल यूपीएससी देना है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट नहीं टलने वाली है, वो 3 जून को वहाँ पर कंफर्म है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम होना ही होना है, तो ये चीज़ आप कंफर्म रखें। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका एग्ज़ाम जो 3 जून को है। उसके पहले हम यहाँ पर आपको सुबह और शाम मिलाकर 3 वीक में 6 सारे जो मेन जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे 26 मई तक, और उसके बाद आपका पूरा 1 वीक बचेगा 26 के बाद, क्योंकि 27 को जो होता है वो संडे पड़ेगा और 3 जून को फिर आपका एग्ज़ाम है। तो 1 वीक बचेगा, और इस 1 वीक में जो सेशन होंगे, जैसे मैं बात करूं तो ये हमारे 26 मई तक हो गया, फिर आपका 27, 28 और 29, सॉरी 27 को मंडे है, हम 28, 29 और 30 में, इन 3 दिनों में हम यहां पर करंट करेंगे सुबह और शाम दोनों टाइम, ठीक है। तो 3 सेशन सुबह, 3 सेशन शाम को, यहाँ पर सिर्फ हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये पूरा जो सेशन जो टाइमिंग है, कह सकते हैं कि लाइव सेशन हमारा जो अवधि है वो आपका चलेगी 7 मई से 30 मई तक, ये हमारा प्रोग्राम है लाइव सेशन का। और यहाँ पर हम आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री और करंट, ये 7ों चीज़ें हम आपको 30 मई तक अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेशन मैं लूँगा और दोनों ही सेशन में आपकी उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और यहाँ पर इन सारे लाइव सेशन के माध्यम से उसका लाभ उठाएँ। अपनी तैयारी को भी जांचा परखा जाएगा, साथ ही साथ आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, क्या कोई डाउट रह जाता है उसकी भी हम वहाँ पर चर्चा करते चलेंगे। जो समस्याएं होंगी उस पर उसका पर भी हम चर्चा करेंगे। जो लाइव सेशन कह सकते हैं जो आपका ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो जाता है, तो डाउट के लिए भी हम अलग से यहाँ पर टाइमिंग भी चर्चा करेंगे, जहाँ पर आप सिर्फ डाउट सेशन के लिए, वहाँ पर आप कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। डाउट के लिए यहाँ पर हम टाइमिंग रखेंगे 10:45 से 11 AM मॉर्निंग। यहाँ पर 9:30 से 10:45 तक हमारा लाइव क्लासेस चलेंगी, जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर जो होंगे सारे चेक करेंगे। 10:45 से 11 अगले जो 15 मिनट होंगे वहाँ पर हम डाउट देखेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे उस पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक। यही प्रोसीजर जो होगा शाम वाले भी होगा। यहाँ पर 7:30 से 8:45 के बीच होगी आपकी लाइव सेशन की क्लास चलेगी, और 8:45 से आपका 9:15 मिनट जो होंगे यहाँ पर हम डाउट लेंगे। तो सुबह और शाम जो होंगे 15-15 मिनट के जो होंगे वो डाउट सेशन के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। तो आपने डाउट सेशन जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप वहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो होंगे, जो क्वेरीज होंगी वो आप पूछ सकते हैं, और उस पर भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज का ये इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करनी थी मुझे, थोड़ा सा आपसे आपसे बातें भी करनी थी, काफ़ी समय हो गया था, चीज़ों को आपको बारे में बताना भी था,
और इन सारी चीज़ों कैसे सही दिशा में लेकर चलनी है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, क्योंकि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उसके जुड़ने के बाद भी अगर चीज़ें आपको सफलता नहीं सुनिश्चित होती है तो इतना तो हम एश्योर कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर ना जाएं। मेहनत करना आपका काम है, हम आपको एक सही दिशा में रख सकते हैं, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो बता सकते हैं। एक जो कह सकते हैं एक जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि आपको चीज़ें कहते हैं कि आप क्या करना है क्या नहीं करना, सही गलत तरीके क्या गलत है क्या सही है वो तरीका आपको ज़रूर बताते हैं, उसको पहचानने की क्षमता आपके अंदर विकसित करनी है। लेकिन फाइनली चूज़ आपको करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो एक मार्गदर्शक की भूमिका हम यहाँ पर अदा करेंगे कि चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कम समय में का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और इस तैयारी में आप एक सही दिशा में रहकर अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी थी जो मैंने आज यहाँ पर कर ली है, और समय समय पर मैं अपने कुछ ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से, जैसे आपको अगर किसी चीज़ों के लेकर बातें करनी हो, चर्चा करनी हो, किसी के विषय के बारे में जानना हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें, तो उस पर हम ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपको संबंधित चीज़ों पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। अगर किसी संबंधित चीज़ों पर आपको चर्चा करनी है, सर इसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक कैसे क्या करना है, इस पर क्या होना है, तो ऐसे किसी भी चीज़ पर अगर आपको चाहिए कि हाँ सर वीडियो बना दें उस पर, चीज़ों पर हमें बता दें, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्या चीज़ें रह गई हैं, कोई समस्याएं हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य था वो यहाँ पर इसी पूरा होता है। UPSC से संबंधित चीज़ों पर चर्चा की हमने, थोड़ी सी यूपी की चीज़ों पर अपना जा UPSS के बारे में हमने देखा, और लाइव सेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है अब क्योंकि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 1 महीने ही है, और इस में 1 महीने में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पर आज चर्चा की, और आप हमारे साथ 7 तारीख से जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में मंडे से, वहाँ पर हम एक एक करके इन सारी चीज़ों की शुरुआत करेंगे एक नए सिरे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं मंडे को, और वहाँ पर हम फिर इकोनॉमी और आपका पॉलिटी के क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग में लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।